Okay, fine. See, today's lesson is Nazism and the Rise of Hitler. इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि नाजिज्म क्या था और हिटलर का राइज कैसे हुआ। राइज का मतलब ये कि हिटलर कैसे आया जर्मनी के पॉलिटिक्स में, एक वो रूलर बना, उसने हिस्ट्री को किस तरह से इफेक्ट किया हम सारे लोग जानते हैं, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, पूरे हिस्ट्री पे आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं। और जर्मनी का ये कहा जाता है कि अगर आज वर्ल्ड के मैप में अगर जर्मनी है तो क्रेडिट गोज टू हिटलर। ओके, ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि नाजिज्म क्या था और हिटलर का राइज कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं। सी, फर्स्ट लाइन इज इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। ये कौन सा सीजन था? स्प्रिंग सीजन था। एंड विच ईयर इट वॉज? इट वॉज द ईयर ऑफ 1945, ठीक है, 1945। ओके, इट वॉज द ईयर ऑफ 1945। अ लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमट। और कहानी, एक छोटा सा लड़का था, अ लिटिल, उसकी लिटिल मतलब छोटा सा लड़का, यहाँ पे लिटिल का मतलब छोटा होगा, ग्रामर वाला सेंस में मत लाना, लिटिल। 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय, 11 साल का एक लड़का था जर्मनी का, जिसका नाम क्या था? हेलमट। क्या नाम था उसका? हेलमट। वॉज, हाँ, वॉज लाइंग इन बेड। वो कहाँ पे लेटा हुआ था? बेड पे। व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन। जानते हो, वो बेड पे लेटा हुआ था तभी उसने कुछ सुना। ओवरहर्ड का मतलब क्या? ओवरहर्ड हम लोग वर्ड कब यूज करते हैं? जब आप जानबूझकर किसी की बात को नहीं सुनते हो, ठीक है। ऐसे ही तुम किसी की बात को, कोई बात कर रहा है और आप किसकी बात को सुन लेते हो, दैट इज कॉल्ड ओवरहर्ड। तो उसने सुन लिया, अपने पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स कुछ डिस्कस कर रहे थे, समथिंग इन सीरियस टोन्स, वो लोग कुछ बात कर रहे थे, इसने सुन लिया। हिज फादर, उसके फादर जो थे, किसके फादर? हेलमेट के फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट किसको बोलते हैं? इम्पॉर्टेंट। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट। दूसरा इसका सिनोनिम्स होगा इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। और फिजिशियन का मतलब, यू नो, आप लोग जानते ही हो किसको बोलते हैं, फिजिशियन किसको बोलते हैं, जो जिसको मेडिकल ये सब का नॉलेज होता है। डेलीबरेटेड विथ हिज वाइफ। डेलीबरेटेड यानी क्या? और पता है उसने क्या बात सुनी हेलमट ने अपने फादर को, मतलब कहते हुए, डेलीबरेटेड यानी प्लान कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, जानते हो क्या, वेदर द टाइम हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली, कि क्या अब समय आ गया है पूरे परिवार को मारने का, मतलब पूरे परिवार के मरने का समय आ गया है, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर उन्हें अकेले सिर्फ आत्महत्या करनी चाहिए। अब सोचो, एक 11 साल का बच्चा ये बात सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो हेलमेट ने सुना कि उसके फादर उसकी माँ से ये बात कर रहे थे कि क्या अब समय आ गया है कि पूरे परिवार को वो मार दें या वो अकेले सुसाइड करें। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। और पता उसके फादर ऐसा क्यों बोल रहे थे, ये भी मैं बता रही हूँ। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। बदले का डर था उनको, किससे बदले का डर? देखो ये कहते हुए, सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। वो पता है उन्होंने क्या कहा, उनको किस बदले का डर था, यह अभी तुम लोगों को हम समझाते हैं। वो सिर्फ एक लाइन में बोले अपनी वाइफ से कि अब अलाइज हम लोगों के साथ वही करेंगे जो हम लोगों ने क्रिपल्ड और ज्यूस के साथ किया। इनफैक्ट देखो केस क्या था, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। ये हेलमट जो थे, हेलमट और उसके फादर जो थे, वो हिटलर के साइड के थे, ठीक है। किसके साइड के थे? हिटलर के साइड के। और हम सारे लोग जानते हैं कि हिटलर ने लोगों को कैसे मारा था। नाजिज्म उसका था क्या चीज़? एकदम वो सबको मारता था, जीव से उसको नफरत थी। वही तुम्हारा एनी फ्रैंक वाला भी पढ़े थे ना तुम लोग, नहीं तो टेंथ में है पढ़ना। तो इन लोगों ने मारा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि इन लोगों, ये लोग हार गया। एलाइज में तुम्हारा अमेरिका ये सब था, कंट्रीज देखो नीचे तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा, एलाइज का बगल में दिया हुआ है एलाइज, देखो। हाँ, यस, हियर इट हैज़ बिन गिवन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, न्यू वर्ड्स में आ जाइए आप लोग। द एलाइड पावर्स वर इनिशियली, और अलाइड पावर में जैसे शुरू में वर्ड युद्ध हुआ ना, तो उसमें इनिशियली लेड बाई द UK, शुरू में इसमें यूनाइटेड किंगडम था एंड फ्रांस था। इन 1941 दे वर ज्वाइंड बाई द USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ, ठीक है। तो इसने क्या किया, ज्वाइन किया रशिया एंड USA।
they fought against the Axis powers, namely Germany, Italy and Japan. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोग थे? एक्सिस पार्ट्स में कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान. तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या किया? उसको हरा दिया. ओके, और हराने के बाद अब इन लोगों को डर की बारी थी. इन लोगों ने जितने लोगों को मारा था, तो वही बात चल रही थी कि जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा, तो अब तो वो लोग जीत गया है. तो उसी पर इसके फादर ने कहा, इसके फादर उसकी माँ से बात कर रहे थे, हेलमेट से. देखो, हेलमेट के फादर हेलमेट की माँ से ये बात बोले. यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, देखो. Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews. The next day, दूसरे दिन क्या हुआ? जिस दिन वो बात किया, सुना अपने फादर को, दूसरे दिन ही took helmet. He किसके लिए यूज हुआ है? उसके फादर के लिए. हेलमेट के फादर उसको ले गए कहाँ पे? टू द वुड्स. वुड्स यानी जंगल में. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, देखो, WOOD, वुड यानी लकड़ी. जब उसमें एस लगा दोगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी जंगल. ऐसे तुम्हारा हो गया गुड. ठीक है, गुड में होता है, गुड का मतलब अच्छा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन उसमें एस लगा देते हो तो क्या हो जाता है? सामान. वैसे ही एक और वर्ड देख लो, वाटर यानी पानी. लेकिन अगर आप वाटर में एस लगा देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है? रिवर, सीज या ओशन. अपना इसी में एक चीज, ये भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मैंने दे दिया. अब देखो, द नेक्स्ट डे ही टुक, वो ले गए उसके फादर हेलमेट को ले गए जंगल में. वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर उसके फादर हेलमेट के साथ बहुत अच्छा समय बिताए. सिंगिंग आउट चिल्ड्रंस सॉन्ग, उन्होंने उस वहाँ पे उसके लिए गाने गाए. लैटर, बाद में हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और बाद में वहाँ से आए और ऑफिस में उन्होंने खुद को मार दिया, शॉट कर दिया, खुद को गोली मार ली. ठीक है, किसने? हेलमेट के फादर ने. अब देखो, हेलमेट रिमेम्बर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बींग बर्नड इन द फैमिली फायरप्लेस. हेलमेट को याद आता है, मतलब बाद में ये लिखा गया, कि कैसे उसके फादर के ब्लडी यूनिफॉर्म को, ब्लडी यानी आप गाली के सेंस में नहीं है, उन्होंने खुद को गोली मारी थी तो पूरे खून से लथपथ हो गए थे, किस तरह से जलाया गया था फैमिली फायरप्लेस में. सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही, ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब समझते हो? इस इंसिडेंट के बाद हेलमेट इतना बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो गया. ट्रॉमेटाइज्ड यानी जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, इतना ज़्यादा डर जाते हो. देखो, तुम इसका आगे वाला लाइन से तुम समझ जाओगे क्यों कितना डरा था 11 साल का बच्चा. सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड, मतलब जो बात उसने सुनी थी अपने पेरेंट्स को बात करते हुए, एंड व्हाट हैड हैपन, जो चीज हुआ था उससे वो इतने डर गया था दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग, कि उसने इस डर को, उसका रिएक्शन क्या हुआ जानते हो? Reacting by refusing to eat at home for the following 9 years. कि उसने 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया था अपनी माँ के हाथ से. क्यों? उसको डर लगता था. देखो, he was afraid that his mother would poison him. He was afraid that his mother might poison him. उसको डर लगता था कि उसकी माँ उसको क्या करेगी, पॉइजन दे देगी खाने में. और रीजन क्या था समझ ही गए थे, क्यों ऐसा सोचता था कि पॉइजन दे देगी, जो चीज़ हुआ था. Although Helmut may not have realized all that it meant, now it is being said कि हो सकता है, although Helmut may not have realized, उसने realize नहीं किया होगा all that it meant, कि इन सब चीजों का मतलब क्या था, मतलब ऐसा क्यों हुआ था. His father had been a Nazi. देखो, जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताया, अब इसको explain किया जा रहा है कि आखिर ये Helmut कौन था, उसके father ने ऐसा क्या किया, अलाइज कौन थे. तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हु वर अलाइज. तो हिज फादर हैड बीन अ नाजी, नाजी मतलब नाजी, हिटलर के सपोर्टर थे, एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, और किसके सपोर्टर थे? एडोल्फ हिटलर के. मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर. अब नाउ इट इज बीइंग सेड कि हम में से अधिकतर लोग जानते ही हैं नाजीज के बारे में, उनकी क्या सोच थी, उनका क्या आइडियल्स था, और हिटलर के बारे में. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power. तुम जरूर से जानते होगे. You probably know of Hitler's determination. हर कोई जानता है कि हिटलर्स का क्या determination था, किस चीज का determination, कि to make Germany into a mighty power. जानते हो हिटलर चाहता था क्या? ऐसा नहीं था कि हिटलर सेल्फिश था,
जैसे हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, दे ऑलवेज वांट, दे आर ग्रीडी फॉर देमसेल्व्स. तो ऐसा नहीं था कि वो अपने लिए कुछ चाहता था, वो चाहता था कि उसका देश माइटीएस्ट बने, ठीक है ना, इनटू अ माइटी पावर. माइटी यानी पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस हो जिसका, ठीक है ना. एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंकरिंग, और उसका एम्बिशन क्या था, हिज एम्बिशन ऑफ कंकरिंग ऑल ऑफ यूरोप. और उसका क्या एम्बिशन था, कंकरिंग यानी जीतने का, उसका था कि पूरे वो यूरोप को वो जीते. यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, हम लोगों ने सुना, सारे लोग जानते हैं कि उसने ज्यूज को मारा था. ज्यूज को ही नहीं मारा था, तुम लोग को एक चीज बताते हैं, हिटलर जानते हो ज्यूज को मारता था, सबके अगेंस्ट में था, जो खूबसूरत लोग रहते थे ना उसको वो अप्रिशिएट करता था, खराब लोगों को वो पसंद नहीं करता था. दूसरी बात जानते हो, जितने भी क्रिपल मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन थे ना, उनको वो गोली मार देता था. मतलब फैमिली में अगर कोई असहाय है, मतलब कोई बहुत बीमार है लंबे समय से, तो उसको वो मरवा देता था. कहता था कि उससे फैमिली का डेवलपमेंट रुकेगा, और अगर फैमिली का डेवलपमेंट रुकेगा तो देश का भी रुकेगा. और ये बात उसकी सही थी, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके इस एक्शन को हम सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही है कि अगर मान लो कि अगर फैमिली में कोई एक बेड रिडन हो जाता है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है सबके मेंटल एबिलिटी पे, मेंटल पे काम करने पर सबका इफेक्ट पड़ता है. तो हिटलर का वही कहना था कि ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना है. बट नाज़िज़्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स. देखो अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि नाज़िज़्म जो था ना, वो एक या दो आइसोलेटेड एक्ट नहीं था, मतलब इसमें एक या दो ही चीज़ें नहीं आती थी. देखो इसमें और क्या क्या थी, इट वॉज अ सिस्टम. नाज़िज़्म एडोल्फ हिटलर के टाइम में क्या था, एक सिस्टम था, या स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज. यहाँ से आप इसको अगर पूछेगा एग्जाम में तो ध्यान रखना, वट इज़ नाज़िज़्म. नाज़िज़्म वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स. किसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में एक सिस्टम थी. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाज़िज़्म वाज ऑल अबाउट. अब यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस सी, अब हम लोग समझते हैं, लेट अस ट्राई, पहले कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये नाज़िज़्म था क्या, किस चीज़ के बारे में था. लेट अस सी व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ. हम लोग फिर ये देखेंगे कि हेलमुट के फादर ने खुद को क्यों मारा. And what the basis of his fear was? और उनके डर का basis क्या था, मतलब क्यों इतना वो डर गया था, हेलमेट के फादर इतना क्यों डर गए थे कि उन्होंने यहाँ तक बोला कि अब पूरे परिवार को मारने का समय आ गया है, अकेले सुसाइड करने का समय आ गया है, और उन्होंने खुद को गोली भी मार ली थी. तो चलिए देखते हैं हम लोग. देखो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है. रीज़न इज बिंग गिवन. In May 1945, Germany surrendered to the Allies. Germany surrendered to the Allies मतलब क्या, याद है Second World War? What was the time period of Second World War? 1945 to 1949. यही था ना Second World War का time period. तो वो हार गए. Axis power में याद रखना कौन कौन थे, Germany, Italy और one more. निधि tell, which one? Japan. तो ये लोग in 1945 जर्मनी, नहीं नहीं तुम लोग गलत, 1945 नहीं था बेटा, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1945 में ये ख़त्म हुआ था. और 1941 में अमेरिका और सोवियत संघ ने, मतलब रूस ने इस वार को ज्वाइन किया. और इस जब उन लोगों ने इस युद्ध को, वॉर को ज्वाइन कर लिया एलाइज के साथ, यूके और फ्रांस के साथ मिलकर, तो उन लोगों ने किसको हरा दिया, एक्सिस पावर को, यानी जर्मनी, इटली और जापान को. तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तभी तो 1945 में तो अंत ही हो गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, अब देखो कह रहा है कि इन 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज, चूंकि वो हार गए, ये लोग हार गए, तो इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दिए, किसके आगे, एलाइज के आगे. एंटिसिपेटिंग वर्ड मतलब ये लोगों को अंदाज़ा हो गया था, ठीक है, एंटिसिपेटिंग यानी ये तो समझ गए थे व्हाट वाज कमिंग, कि अब क्या होगा. कौन लोग समझ गए थे कि क्या होगा, नाजी लोग, जो नाजी के सपोर्टर थे, जो हिटलर के सपोर्टर थे, उनको अब समझ में आ गया था कि अब उन लोगों के साथ क्या होगा. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर
हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स, देखो हिटलर उसका जो हिटलर का जो मिनिस्टर था गोएबल्स, एंड हिज इंटायर फैमिली, और उसकी पूरी फैमिली ने क्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर ने भी सुसाइड कर ली थी, ठीक है, इन सब लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि इनको समझ में आ ही गया था। देखो हिटलर ऐसे चाहे जो भी हो, ठीक है, वो ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड के मैप में अगर आज जर्मनी है तो क्रेडिट गोज टू हिटलर, सब कुछ सही है, लेकिन हिटलर ने, हिटलर का जो नाजिज्म था वो उसको किसी भी एंगल से आप बहुत सही नहीं ठहरा सकते, ही वॉज वेरी मच क्रूअल। तो उस तो समझ गया था कि अब हम जो किए हैं तो मेरे साथ भी होगा, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं था। देखो एक चीज़ और कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रिटी में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के सीड बो दिए गए थे, ताकि मतलब उसी हिसाब से इन लोगों ने ट्रिटी में किया था ना कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना ही था, तो ये तुम देखोगे। और इसी वजह से दूसरी बार जर्मनी के साथ या किसी और देश के साथ ये लोग समझ गए थे कि हमको दोबारा ये चीज़ नहीं करना। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध ख़त्म हुआ, एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरेमबर्ग वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब इस चीज़ को याद रखना, एट द एंड ऑफ वॉर यानी 1945 में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, इसका नाम याद रखना, ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और कहाँ पे ये सेटअप किया गया, नरेमबर्ग में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके फाइन, नरेमबर्ग वॉज सेटअप, सेटअप यानी स्थापित किया गया, किस लिए, टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल, ताकि उन लोगों को ट्रायल किया जाता, उन लोगों को सजा दी जाती जो भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे, फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, इन्होंने क्या क्या क्राइम किया था शांति खत्म करने के लिए, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, मानवता के अगेंस्ट में इन्होंने जो क्राइम किया था, सही में किया भी था। जर्मनीज कंडक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर, जर्मनी का जो व्यवहार था, तो जर्मनीज का जो कंडक्ट था ड्यूरिंग द वॉर, स्पेशली दोज एक्शन, खासकर उसके वो काम विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जर्मनी ने वो काम किए ना जो किसी भी इंसानियत, कैसे, ह्यूमैनिटी यानी क्या, जो आपसे जो क्वालिटी, एक ह्यूमन बींग से क्या क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट की जाती है, तो वो सारी चीज़ें वो उसको क्राइम माना जाता है। जो नाजिज्म या हिटलर ने जो किया वो क्या चीज़ था, वो क्राइम था। रेज्ड सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, तो उसने जो क्राइम किया उसने किस चीज़ को, बहुत सारे मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं, मतलब क्या ये सही था, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था, एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। देखो कंडेमनेशन यानी किसी चीज़ की निंदा, तुम लोग बोलते हो ना बुरी तरह से किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, कि ये एक्ट क्या था, बहुत ही खराब था। वट वर दिज एक्ट्स, आखिर ये बात किस चीज़ के बारे में कही जा रही है कि हिटलर ने वो काम किया जो क्राइम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उसको कहा जाएगा कि वो ह्यूमैनिटी के लिए क्राइम था, और इसने बहुत सारे मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस रेज किए। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उसने कौन कौन से ऐसे काम किए थे, और जो भी एडोल्फ हिटलर के या नाजिज्म के सपोर्टर थे उन लोगों ने क्या क्या किया। देखो सी, नाउ इट इज बीइंग सेड दैट, हियर इट इज बीइंग सेड, वेट, हाँ यस, अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसकी आड़ में, शैडो का मतलब छाया नहीं, यानी उसको एक ये लग उसके अंडर में, जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर, देखो उसका एक बहाना लेके जर्मनी ने क्या शुरू किया, एक जेनोसाइडल वॉर शुरू किया। और पता है जेनोसाइडल वॉर क्यों कहा गया, देखो इसने इसने क्या किया था इसमें, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, इसने उसका एक बहाना लेकर, और पता है मास मर्डर यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा,
और कुछ सिलेक्टेड, ऐसा नहीं था कि किसी, देखो वॉर में तो सब लोग मरते हैं ना, चाहे अगर कहीं पर वैसा होता है तो इनोसेंट हो या गिल्टी हो, बट लेकिन उसने सिलेक्टेड लोगों को चुना, ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, और देखो कौन कौन से, नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना खराब काम किया था उसने। द नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इंक्लूडेड, देखो 6 मिलियन ज्यूज, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 6 मिलियन इज इक्वल टू 60 लाख, एंड नेक्स्ट 2 लाख जिप्सीज, 100,000, 10,000 लाख, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, पॉलिश हो गया पोलैंड का, 70,000 जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स इनम्यूरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो देखो इतने लोगों को मारा, और मैंने तुम्हें तो पहले ही बोल दिया था कि देखो यहाँ पर इसको मैं फिर से एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे हु वर कंसीडर्ड, उसने फिर किसको मारा, 70,000 जर्मनी के लोगों को ही मारा था हिटलर ने। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हिटलर का क्या कहना था कि अगर किसी परिवार में कोई बेड रिडन है या किसी के यहाँ कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या फिजिकली अनेबल्ड है, तो वो उस फैमिली के प्रोग्रेस को रोकेगा, और अगर फैमिली की प्रोग्रेस नहीं होगी तो समाज की प्रोग्रेस नहीं होगी, समाज का प्रोग्रेस नहीं होगा तो देश का नहीं होगा। तो उसने क्या किया, देखो जर्मनी एलोन, सिर्फ जर्मन 70,000 जर्मन को उसने ऐसे लोगों को मारा जो मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड थे, मतलब किसी वजह से ये डिजेबल थे, उनको मार के हटा दिया। बिसाइड्स, इतने लोगों को तो मारा ही वो, उसके अलावा उसने मारा किन लोगों को, हाँ चलिए, तो उसने इतने लोगों को क्या करवाया, मरवाया किसने, हिटलर ने। तो जर्मन्स को आने दो इसको, तो उतने सारे जर्मन्स लोगों को भी उसने मरवाया, और बिसाइड्स जितने उसके अलावा, इतने लोगों का नंबर तो तुमने देख लिया, Besides, innumerable, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, सोच लो innumerable, अनगिनत political opponents यानी जो उसका विरोध करते थे, सबको उसने क्या किया, मरवाया, got it? इतने लोगों को उसने मरवा दिया, are you getting my point? One more word I am going to explain, see, beside, देखो beside means by the side of, यानी बगल में, By the side of, और besides का मतलब, besides word कब यूज़ करते हैं, moreover, यानी besides यहाँ पर word क्यों यूज़ किया गया, कि इतने लोगों के साथ साथ उसने और किसको मरवाया, opponents को, जो उसके विरोध करते थे politics में, got it? चलिए, now see, Nazis, उसने तरीका क्या अप्लाई किया था लोगों को मारने के लिए, ये भी देखो, चलो That is by gasping them. Nazis devised. इन लोगों ने कौन सा प्लान किया? ये कहाँ से आ गया भाई? Wait. See. The Nuremberg. Nazis devised an unprecedented means of killing people. और जानते हो उन्होंने तरीका क्या अपना ईजाद किया? Devised a plan बोलते हो ना? Unprecedented means of killing people. लोगों को मारने का तरीका देखो क्या था? That is by gassing them in a various killing centers. जैसे बाकी लोगों health center, PHC बनता है ना, primary health center या किसी चीज़ का center, वैसे ही उसने किलिंग, लोगों को मारने के लिए सेंटर बनाया, वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विस। द नरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। लेकिन एक चीज और जान लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ट्रिटी में सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को ट्रिब्यूनल ने, जो सेटअप किया गया था ना इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, तो सिर्फ 11 लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा, उन्हीं को डेथ की सजा मिली। Many others were imprisoned for life. बाकी बहुत सारे लोगों को
हमेशा के लिए। देखो इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, दोबारा से रिट्रीब्यूशन हुआ, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। कह रहा है कि दोबारा से भी फिर बैठा गया कि मतलब दोबारा से इन लोगों का डिसीजन लिया जाए, लेकिन कह रहा है कि येट जो पनिशमेंट, येट फिर भी जो पनिशमेंट नाजीज को दिया गया वो बहुत कम था, फार शॉर्ट ऑफ यानी बहुत कम था उस ब्रुटलिटी और एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम, उन्होंने जो क्रूरता दिखाई थी और उन्होंने जो क्राइम किया था उससे बहुत कम था। द अलाइज डिड नॉट वॉन्ट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो उसके पीछे एक कारण और था, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, द अलाइज डिड नॉट वॉन्ट, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो फिर से उतने हार्श हो, यानी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये लोग जैसे बहुत बुरी तरह से, जानते हो सेकेंड वर्ल्ड वार होना ज़रूरी था, वो जब ट्रीटी हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार का, उसी समय ये क्लियर हो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार होना ही था। तुम आगे इसमें देखोगे, पूरा दिया हुआ है डिटेल में, जिस हिसाब से ट्रीटी हुई थी उस हिसाब से एकदम क्लियर था। तो ऑन डिफीटेड जर्मनी, इन लोगों ने जैसे डिफीटेड हारे हुए जर्मनी पर, तो ये लोग इस बात को समझ गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था किस कारण से, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी लोग बहुत हार्श रहा जर्मनी के ऊपर, तो इसलिए इस बार ये लोग ऐसा चीज नहीं किया, ठीक है, इसलिए तो अभी तक थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है। चलो देखो, एवरीवन कम टू फील, देखो यहाँ पे नीचे समझाया हुआ भी है, एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी could be partially traced back to the Germany experience at the end of First World War. हर कोई ये फील करने लगा था कि rise of Nazi Germany, कि Nazi Germany का जो rise हुआ था could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. देखो सब लोगों का कहना था कि ये जो हुआ था ना, ये First World War का experience था, partially traced back, उसके लिए क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये तुम लोगों को भी हम बता दिए थे, अभी बताया ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और आगे तुम्हारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे है व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, अब हम लोग जानेंगे उस एक्सपीरियंस के बारे में जिसकी वजह से आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर राइज हुआ नाजी जर्मनी का। ओके हेलो, नाउ सी दिस वर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, प्लीज, न्यू वर्ड्स, जेनोसाइडल, जेनोसाइडल में क्या था, देखो व्हाट इज दिस वर्ड इज यूज्ड व्हेन जब मारा जाता है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जाता है और डिस्ट्रक्शन होता है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, गॉट इट। Tell me if you have any problem.